क्या खत्म हो गया है विराट कोहली का करियर? वनडे टीम से क्यों बाहर हुआ ये दिग्गज बल्लेबाज? चोट है मुसीबत या बात है कुछ और? ये सवाल तब उठे जब विराट कोहली इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हो गए। खबर आई कि विराट तीसरे T20 मुकाबले के दौरान इंजर्ड हो गए थे और उनको ग्रोइन स्ट्रेन की समस्या हो गई थी, जिसके बाद टीम मैनेजमेंट ने उनको पहले वनडे में आराम दिया। लेकिन इसके बाद अब सवाल ये है कि क्या वो सच में इंजर्ड है या टीम में फिट नहीं बैठ पा रहे हैं। बता दें आपको, विराट लंबे समय से लय में नहीं है और उनको आए दिन टीम से बाहर निकालने की बातें उड़ती रहती हैं। हाल ही में विश्व विजेता टीम के कप्तान कपिल देव ने भी कोहली को टीम से बाहर करने की मांग का समर्थन किया था। मतलब देखा जाए तो समय से लेकर परिस्थितियों तक सब कुछ कोहली के खिलाफ चल रहा है। 70 शतक मारने वाले इस बल्लेबाज को कभी रन मशीन कहकर पुकारने वाले फैंस भी अब ज्यादातर मौकों पर कोहली को अपने निशाने पर रखते हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी मैच इंग्लैंड ने जीता, जबकि भारत ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की। भारत के लिए सीरीज अच्छी रही, लेकिन विराट कोहली के लिए खराब दौर जारी रहा। विराट कोहली तीनों पारियों में कुछ खास नहीं कर सके। एक दिवसीय सीरीज के पहले मुकाबले से पहले खबर आई कि तीसरे T20 में कोहली चोटिल हो गए हैं, जबकि तीसरे T20 मुकाबले के तुरंत बाद उनको पत्नी अनुष्का के साथ लंदन की सड़कों पर घूमते और शॉपिंग करते हुए देखा गया। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि ये धाकड़ बल्लेबाज या सच में चोटिल है या फॉर्म में ना होने की वजह से इस खिलाड़ी को टीम से बाहर कर दिया गया है। इस पर रिएक्ट करते हुए कुछ फैंस ने ट्विटर पर जमकर हमला बोला। जैसे एक यूजर ने लिखा, विराट कोहली चोट के कारण इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हो गए। इस बारे में विराट कोहली को नहीं पता, टीम मैनेजमेंट ने उनको ये बात बताई है। एक दूसरे यूजर ने तो यहां तक लिख दिया, विराट कोहली की चोट उनके सम्मान और प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाए बिना उन्हें छोड़ने का एक बहाना है। एक दूसरे यूजर ने लिखा, विराट और अनुष्का लंदन की सड़कों पर मजे कर रही हैं, लेकिन कोहली पहले मैच से चोट के नाम पर बाहर किए गए हैं। भाई रिटायर ही हो जाओ, तेरी वजह से कितनों का करियर अटका हुआ है। फिलहाल अब इस चोट के पीछे की सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ टीम मैनेजमेंट और खुद विराट कोहली ही जानते हैं। लेकिन आपको क्या लगता है, विराट की इस चोट की बातों में कितनी सच्चाई है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।